वेलकम टू लॉक एंड की फार्मेसी। आज मैं आप लोगों को एक ऐसी बीमारी के बारे में बताना चाह रहा हूँ जिसके बारे में आप लोग जानते हैं बहुत अच्छे से, आप लोगों के साथ होती भी हैं ये चीज़ें। जैसे कि मान लीजिए हम लोगों के दांतों से कभी कभी मान लीजिए खून आ रहा है, ब्लड आ रहा है, गम आ रहा है, दांत गिरने लगते हैं। अब मैं आप लोगों को लेके चलूंगा पुराने वाले जमाने में। जैसे आपने अगर देखी होगी पायरेट्स ऑफ द कैरिबियन, जैसे जो पुराने लोग थे, जो पायरेट्स वगैरह थे, वो पानी में ही रहते थे ज्यादातर। और पानी में वो रहते थे, पानी में क्या होता था, उन लोगों को मछलियां मिल जाती थी, खाने को मिल जाता था, सब कुछ मिल जाता था, लेकिन उन लोगों को कभी भी फ्रूट, विटामिन सी वाले फ्रूट नहीं मिलते थे जल्दी। जैसे कि आपका हो गया गोभी और आपका हो गया संतरा, ये सब उन लोगों को नहीं मिलता था, इसलिए उन लोगों के दांत झड़ जाते थे, यानी कि उन लोगों के दांत गिर जाते थे। तो इसी बीमारी का नाम हम लोग जानते हैं, स्कर्वी बोलते हैं इस बीमारी को। और इस बीमारी को ठीक कैसे किया जा सकता है, मैं आपको बताता हूँ। इस बीमारी को ठीक आप ऐसे कर सकते हैं कि आप अपनी डेली रूटीन में कम से कम कुछ नहीं तो लिम्सी करके एक टैबलेट आती है। तो अगर आपको विटामिन सी की कमी है, पहले तो ये आपको टेस्ट कराना पड़ेगा कि आपको विटामिन सी की कमी है कि नहीं। अगर आपको पता चल जाता है कि आपको विटामिन सी की कमी है, तो आपको क्या करना है, मतलब पूरा स्ट्रिप मिल जाएगी। एक स्ट्रिप में 15 गोलियां आती हैं जो कि 25 रुपए की आती है। तो आप लोग वहां पे जाएंगे मेडिकल स्टोर पे, ये गोली आप परचेज कर लेंगे और एक दिन में आपको 2 गोली 3 गोली 4 गोली तक आप इसको ले सकते हैं अपने हिसाब से, जिस हिसाब से आपके शरीर में इसकी नीड है उस हिसाब से आप ले सकते हैं। इसके अलावा विटामिन सी की कमी से और भी कुछ स्किन से रिलेटेड बीमारियां होती हैं, जैसे चेहरे पे दाग धब्बे वगैरह आने लगते हैं, ये भी कारण है विटामिन सी की कमी का। तो विटामिन सी आप लोगों को जरूर अपने खाने में लेना चाहिए, लेकिन आजकल के लोगों की रोजमर्रा की लाइफ इतनी बिजी हो गई कि जरूरी नहीं है कि वो आदमी ये चीज खा सके। ये जो है आप लोग इसको फॉलो करें। और थैंक यू सो मच, अगर आप लोगों को मेरी वीडियो पसंद आई हो, छोटा टॉपिक लिया है, बहुत बड़ा टॉपिक नहीं है और छोटा कंटेंट हमने सुना है कि काफी अच्छा होता है। तो अगर आप लोगों को अच्छा लगा हो तो प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब कर दीजिएगा। थैंक यू सो मच। लॉक एंड की